दिल का डर निकाल दो। जी 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 बिल्कुल। आपने ठान लिया ना कि मुझे एंकर बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात दिल का डर निकाल दो। जैसे ही तुम्हारे दिल का डर निकल जाएगा, वहाँ से आपका सक्सेस शुरू हो जाता है। फिर रहता है स्टेज पर चढ़ना। स्टेज पर चढ़ते समय आप किस तरह से चढ़ रहे हो, स्टेज पर जाने के बाद में आप डायस पर कैसे खड़े रह रहे हो, फिर माइक कितने डिस्टेंस पे आपने पकड़ रखा हुआ है, आपके सांसों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपके शब्दों के ऊपर का प्रभुत्व इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी, मतलब एंकरिंग करना आपको सहजता से नहीं प्राप्त होता है। आप सबको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी मैं सीख रही हूँ, जो मेरे अंदर एंकरिंग के गुण है थोड़े बहुत, वो मैंने ऐसे ही सीखे हैं, यहाँ वहाँ से जानकारी ली है, बहुत सक्सेसफुल एंकर के अलग अलग वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे अपने कविगण जो है उनके कविताओं का पठन मैं करती हूँ, बहुत सारे लेखक जो है उनके लेखकों के अलग अलग लेख पढ़ती हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ में वैचारिकता के आदान प्रदान करती हूँ और देखती हूँ कि इनके ओर से मुझे क्या जानकारी मिल रही है, और उसी जानकारी का मैं इस्तेमाल एंकरिंग के टाइम पे करती हूँ। कहा कौन सा बंदा हमारे दिल में उतर जाए, उसके शब्द हमारे दिल में उतर जाए, और वही शब्द हमारे दिल दिमाग से कब माइक में आ जाए है ये हम कह सकते नहीं। मतलब कोई चीज़ें रट्टा मारना ये शुरुआत की बात है। हाँ, शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं कि रट्टा मार मार के चार चार पंक्तियाँ चार चार पंक्तियाँ, ये कब तक चलेगा? जब तक हमको आदत ना हो। एक बार हमें आदत हो गई ना, तो अपने आप सभागृह में जो ऑडियंस सामने बैठे हुए हैं और ये प्रोग्राम कौन सा है, इस हिसाब से अपने आप हमारे मन में दिल में दिमाग में से शब्द उमड़ पड़ते हैं और आप शीघ्र कवि बन जाते हो, तब जाके आपका एंकरिंग सक्सेस होता है। क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये दिल से बोल रही है और रट्टा हुआ बोल रही है। जी जी हाँ जी बिल्कुल। तो शुरू में तो आप कर सकते हो, वैसे किसी और के वर्ड्स बोल सकते हो, लेकिन बाद में इतनी आपको आदत हो जाती है कि दूसरों के वर्ड्स अपने आप पीछे चले जाते हैं और आप खुद में अपने आप को उभरते चले जाते हो। सही बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत हैं जो महाराष्ट्र से आई हैं, अंजलि चिंचोलीकर जी। अंजलि चिंचोलीकर जी पेशे से टीचर हैं और ख़ास इनके बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं, लेकिन इनका ख़ास जो फील्ड है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो है एंकरिंग, जिसे मंच संचालन कहते हैं। और मंच संचालकों को बहुत सधी हुई भाषा में बहुत अच्छे ढंग से बोलते हुए किसी भी श्रोता का मन लालायित हो जाता है कि काश वो भी अच्छा एंकर बन पाए। हालांकि कोई भी बन सकता है, हमें ऐसा लगता है मंच संचालक एंकर थोड़ी सी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, और बहुत बड़ा अभ्यास, करीब 20 सालों का अनुभव अंजलि जी का इस क्षेत्र का है। हम उनसे आज एंकरिंग पे बात करेंगे और साथ ही हम उन बच्चों उन युवाओं के लिए इनसे टिप्स लेंगे कि कैसे आखिर ये कला में सिद्धस्त हुआ जा सकता है, कैसे एक अच्छा एंकर बना जा सकता है। तो सीधे मुखातिब होते हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम कुरुक्षेत्र में बैठ करके और महाराष्ट्र की एक बहुत अजीम शख्सियत से हमारी बात हो रही है। तो कैसे आपकी शुरुआत होती है
एंकरिंग की खास तौर से कैसे लगता है कि आप स्टेज के लिए मंच के लिए बनी हैं और बड़े बड़े मंचों का संचालन करना आपके लिए एक खेल जैसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किसी को सिखाना है उस समय मुझे सही में दिल से बहुत खुशी होती है। किसी को देना मतलब दोगुना पाना, ऐसा मतलब होता है उसका। तो ये जो एंकरिंग का शौक़ है वो मुझे मेरे पापा के ओर से लगा है। मेरे पापा एक बहुत अच्छे वक्ता है, एक बहुत अच्छे एंकर है। बचपन से ही मैं उनका अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करती थी। हाँ, पापा जिधर भी जाएंगे उधर मुझे एक साथ। बार आप अपने पिताजी का नाम और उनका परिचय जरूर दे दें ताकि और बात हम अच्छे से समझ पाएं। जी। मेरे पापा आदरणीय श्री नामदेवराव चिंचोलीकर, वो क्लास टू ऑफिसर थे, अभी रिटायर है। तो उन्हीं से ही मैंने ये पूरा सीखा है। और फिर मतलब डर नाम की चीज़ बचपन से ही मेरे दिल में से निकल गई थी, जो सबसे पहले ज़रूरी होता है। इंसान को अगर स्टेज के ऊपर चढ़ना है तो दिल का डर निकाल दो। जहाँ पर आपका दिल का डर निकल जाएगा वहाँ पर आप सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, ऐसा समझ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैंने मेरे पापा से सीखा है। जी, तो आपको बचपन में ही ऐसे अवसर मिले कि आप अपने पिताजी को मंच पे बोलते हुए देखती रही और उसने एक उस वातावरण ने आपको, आपके पिताजी ने और उस पूरे परिवेश ने आपको प्रेरित किया कि ये हो सकता है। हो सकता है। तो पहला अनुभव आपको मंच संचालन का कब मिला और कैसे मिला? वैसे तो मैं स्कूल में थी तब से ही स्टेज पर रहने की मुझे जैसे एक आदत सी लग गई थी। अभी भी ऐसा ही है कि मैं स्टेज सामने हो, माइक सामने है तो मैं खामोश नहीं बैठ सकती। बस बचपन से ही आदत लगी है माइक को पकड़ने की, माइक के साथ खेलने की। लेकिन एक बात ऐसी होती है कि जब हमें हमारा करियर उसमें बनाना होता है या कोई बड़े स्टेज के ऊपर जाना होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे दिक्कतें हमें आती है उस दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कॉलेज जाने के बाद में मैंने एक कोर्स किया था एंकरिंग का। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ से किया आपने? मैंने जो पुणे, महाराष्ट्र पुणे में से एक कोर्स किया था, सकाल का है वो कोर्स, चलता है वहाँ पर, अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, उसमें से एक है एंकरिंग के कोर्सेज। अच्छा, तो अच्छा। वो लोग हमें सकाल एक दैनिक समाचार दैनिक पत्र समाचार पत्र है और वो कोर्स भी करवाता है। हाँ जी दैनिक समाचार पत्र है, उनके अलग अलग कोर्सेज भी चलते हैं। जिसको जिस बात में रुचि है उस हिसाब से वहाँ पर कोर्सेज चलते हैं। अच्छा, तो मैंने एंकरिंग का कोर्स वहाँ पर जाकर किया था। ठीक, ठीक, और वहाँ पर जाने के बाद में मुझे सही ढंग से पता चला कि एंकरिंग करते समय हमें किस तरह के जो उसके नियमावली होती है उस नियमावली का हम अनुसरण कर एंकरिंग करें। जी जी। तो एक तो जो सवाल के क्या मानती हैं कि एंकरिंग क्या, कुछ लोग जब मंच पे बोल रहे होते हैं तो कई बार इस तरीके से उनकी तरफ से आता है कि जैसे जन्मजात कुछ कौशल हैं जो मिलते हैं, या आप ये मानती हैं कि ये परिवेश की देन है? आप अपने अनुभव से बताएं कि ये कैसे ये कौशल मिलता है। वैसे देखा जाए तो अनुवंश का जो आपने कहा है वो भी कुछ अंश उसमें रहता है। लेकिन देखिए, घर में तीन मेंबर रहते हैं, चार मेंबर रहते हैं, दो भाई बहन रहते हैं या एक भाई बहन रहता है, तो वो दोनों भी वैसे नहीं बनते, उसमें से कोई एक वैसा बनता है। क्यों? वो दोनों के अंदर अनुवंश है, लेकिन रुचि सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखती है वो रुचि वाली बात है। अगर आपको
जिस चीज़ में रुचि है उस रुचि को लेकर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वैसे ही है एंकरिंग का है। सही बात, सही बात। अच्छा, हम बच्चों और युवाओं की दृष्टि से अब क्या क्या मानती हैं, कौन कौन से टिप्स हैं जो एंकरिंग करते हुए ध्यान में रखने चाहिए, एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जी, यहाँ पर तो मैं सबसे पहले कहूँगी, अभी थोड़ी देर भी मैंने कहा था वही बात हम लोग फिर से दोहराएंगे, दिल का डर निकाल दो। जी जी, हाँ? जी जी बिल्कुल। आपने ठान लिया ना कि मुझे एंकर बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात दिल का डर निकाल दो। जैसे ही तुम्हारे दिल का डर निकल जाएगा वहाँ से आपका सक्सेस शुरू हो जाता है। फिर रहता है स्टेज पर चढ़ना, स्टेज पर चढ़ते समय आप किस तरह से चढ़ रहे हो, स्टेज पर जाने के बाद में आप डायस पर कैसे खड़े रह रहे हो, फिर माइक कितने डिस्टेंस पे आपने पकड़ रखा हुआ है, आपके सांसों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपके शब्दों के ऊपर का प्रभुत्व इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी, मतलब एंकरिंग करना आपको सहजता से नहीं प्राप्त होता है। आप सबको यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी मैं सीख रही हूँ, मैं पूरी तरह से सक्सेस नहीं हूँ, या फिर जो मेरे अंदर एंकरिंग के गुण है थोड़े बहुत वो मैंने ऐसे ही सीखे हैं, यहाँ वहाँ से जानकारी ली है, बहुत सक्सेसफुल एंकर के अलग अलग वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे अपने कविगण जो है उनके कविताओं का पठन मैं करती हूँ, बहुत सारे लेखक जो है उनके लेखकों के अलग अलग लेख पढ़ती हूँ, और बहुत सारे लोगों के साथ में वैचारिकता के आदान प्रदान करती हूँ और देखती हूँ कि इनके ओर से मुझे क्या जानकारी मिल रही है, और उसी जानकारी का मैं इस्तेमाल एंकरिंग के टाइम पे करती हूँ। कहा कौन सा बंदा हमारे दिल में उतर जाए, उसके शब्द हमारे दिल में उतर जाए, और वही शब्द हमारे दिल दिमाग से कब माइक में आ जाए है ये हम कह सकते नहीं। मतलब कोई चीज़ें रट्टा मारना ये शुरुआत की बात है। हाँ, शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं कि रट्टा मार मार के चार चार पंक्तियाँ चार चार पंक्तियाँ, ये कब तक चलेगा? जब तक हमको आदत ना हो। एक बार हमें आदत हो गई ना तो अपने आप सभागृह में जो ऑडियंस सामने बैठे हुए है और ये प्रोग्राम कौन सा है इस हिसाब से अपने आप हमारे मन में दिल में दिमाग में से शब्द उमड़ पड़ते हैं और आप शीघ्र कवि बन जाते हो, तब जाके आपका एंकरिंग सक्सेस होता है। क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये दिल से बोल रही है और रट्टा हुआ बोल रही है। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो शुरू में तो आप कर सकते हो, वैसे किसी और के वर्ड्स बोल सकते हो, लेकिन बाद में इतनी आपको आदत हो जाती है कि दूसरों के वर्ड्स अपने आप पीछे चले जाते हैं और आप खुद में अपने आप को उभरते चले जाते हो। सही बात। अच्छा, एक हमें ये बताइए, आपने जो बातें बताई हैं कि डायस पे खड़ा होना, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ एक तरीके से, डायस पे खड़ा होना, माइक से आपके खड़े होने की दूरी और आपका शब्दों पे पकड़ होना। मेरा सवाल ये है, बहुत बार ऐसा होता है एंकरिंग करते हुए जो अच्छे एंकर होते हैं वो प्रायः ही अपने बोलते हुए कविता की पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। एंकरिंग, एक अच्छे एंकर के लिए कविता कितना बड़ा रोल निभाती है? कविता एक ऐसी चीज़ है जो इस एंकरिंग की रौनक है। जैसे आप शब्द फेंकते हो, उस कविता के शब्द जो होते हैं वो पूरे सभा को खिलखिला उठाते हैं। आपके शब्द फेंकने की जो कला है, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अभी आप मैं ये दादा हमारे सामने बैठे हुए हैं, हर एक का अलग अलग पैशन होता है, अब इन दादाओं के बारे में मुझे कुछ बोलना है चंद पंक्तियाँ,
लेकिन हम जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हमारा अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात समझ लेना चाहिए कि एंकरिंग को हम जा रहे हैं उससे 4-5 पहले दिन पहले हमारी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए। जी जी जी। उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हमें हासिल कर लेनी चाहिए कि डायस पर कौन से व्यक्ति है, मंच पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं और उस व्यक्ति के बारे में हमें बोलना है। जी। अभी देखो हम इन दादा के बारे में बोलते हैं, ऐसा कहेंगे हम कि आज हमारे इस बाल रक्षा प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के लिए अरुण दादा जी पधारे हैं, हमने उन्हें यहाँ पर विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, क्यों ना हम इन्हें आमंत्रित करें, इनके बारे में चंद पंक्तियाँ है सहजता से मेरे ओर से उभर पड़ती है। हवा तो चलती है बस चलते ही रहती है, दादा हवा तो चलती है बस चलते ही रहती है, लेकिन हवा का रुख बदल के जो चलता है ना उन्हें अरुण दादा कहते हैं, उन्हें अरुण दादा कहते हैं। इस तरह से अगर आप सहजता से बोलोगे ना तो सभा खिल उठेगी, अरुण दादा के अंदर की जो प्रतिभा है वो भी खिल उठेगी। ये ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें होती है जी, जी, जो प्रयास से अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसमें रियाज प्रयास बहुत जरूरी जी, है जी, जी, जी। तो कविता एक अहम भूमिका बहुत बहुत निभाती है, बहुत ज्यादा। और यदि जो मंच संचालक है वो काव्य का रसिक भी है जी, तो एक सोने पे सुहागे वाली जी, बात है जी। अच्छा मंच कोई भी मंच है जी, बड़ा छोटा मंच जी, और लोगों की उस पे कि वो कैसा बोलते हैं उस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है, लेकिन मंच संचालक कैसे एक कार्यक्रम को एक मंच को के एक तरीके से केंद्रीय किरदार होता है, रीढ़ का काम करता है जी, जी। कैसे करता है कि वो एक परिवेश एक तरह से बना देता है जी। जिसमें एक तरह से टोन सेट कर देता है वो जी। एक जो जो श्रोता है जी। उसके दिमाग पे उस कार्यक्रम का प्रभाव अंकित जी, कर देता जी, है जी, जी। तो क्या मतलब मानती हैं जो उसकी जो मन संचालक की जो भूमिका है जी। किस रूप में कार्यक्रम की सफलता में उसका किस तरह से रोल होता है जी। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हम कौन से कार्यक्रम का संचालन करने जा रहे हैं जी जी जी, जी। उस हिसाब से हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है जी। विदाउट अभ्यास आप संचलन मत करिएगा जी, जी जी। संचलन एक ऐसी बात है कि वो हजारों लाखों 100, 150, 200 लोगों की पूरे आंखें, पूरे कान, पूरी नज़र आपके ऊपर टिके हुए रहती, और उस कार्यक्रम को कैसा मोड़ देना है पूरा 100% संचालक के ऊपर डिपेंड रहता है। हम लोगों को क्या करना होता है, कार्यक्रम का रियाज करते समय जो शुरुआती तौर पर के जो बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं समझो, उनके लिए एक बता देती हूँ, वो खुद को आदत डाल दे इस बात की कि हमारे घर में आईना होता है, आईने के सामने आप खड़े होना चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर आपको जो भी बोलना है वो बार 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 बोलकर आप देखो, ताकि क्योंकि सामने जो व्यक्ति बैठा है, सामने जो श्रोतागण बैठे हैं, उन श्रोतागण के और हमें नजरों को नजर मिला के बातें करनी होती है, तब जाके आपका संचलन प्रभावी होता है। इसीलिए घर में रियाज करो, घर में अभ्यास करो, बहुत सारी जानकारी हासिल करो। और इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जिन व्यक्ति ने वो कार्यक्रम आयोजित किया है उस व्यक्ति के साथ में हमारा विचार विनिमय हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि कौन से घड़े में कार्यक्रम कहाँ पर मोड़ लेगा। कार्यक्रम में अलग अलग जगह पे हम जाते हैं तो अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग मोड़ आ जाते हैं, मतलब हम जैसा ठहराते हैं मतलब जी, जी, तो जी, उस जैसी हिसाब से योजना बना करके चलते हैं, योजना बना के चलते हैं ना, तो वैसा होता नहीं, बहुत कम जगह पे सक्सेस होता है, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत जगह पे होता नहीं। तो
तुरंत हम लोगों को वहाँ के वहाँ कार्यक्रम चेंज करने के आइडियाज आने चाहिए, कार्यक्रम को मोड़ने के आइडियाज आने चाहिए। ये सब प्राप्त होता है रिया से, बिल्कुल बिल्कुल, और एक अभ्यास से प्राप्त होता है। तो ये बहुत अहम बात है कि हम जो भी एंकर है उसे अपनी पूरी तैयारी, एक पूरा एक रिसर्च का काम जी पहले कर लेना चाहिए, कौन मंच पे हैं, कौन मंच के श्रोता हैं, दर्शक हैं और क्या क्या कार्यक्रम उसके अंदर होंगे और उसके अंदर बदलाव आने की क्या क्या संभावनाएं हैं, उनका थोड़ा अनुमान जी हमें होना चाहिए जी, ताकि हम उसी तरीके से मोड़ दे सकें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमें कुछ, हम चाहते हैं कि आप कुछ प्रैक्टिकल, जैसे जो बच्चों के लिए के शुरुआत, एक एंकर को मंच पे आ करके उसे शुरू करना है जी, उसे किन शब्दों से शुरुआत करनी चाहिए, क्या कौन से शब्द बहुत प्रभावी होते हैं जो जान डाल देते हैं, जो एक तरह से जोड़ देते हैं जो सामने बैठे हुए लोग हैं मंच को, उसमें पुल का काम करते हैं, शुरुआत कैसे, किन शब्दों से की जानी चाहिए? अब तक मुझे लग रहा है कि जो ज़रूरी बातें हैं वो बहुत सारी बातचीत हमारी हो चुकी है जी, बिल्कुल, लेकिन और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, हमारे जहन में रहनी चाहिए। वो बात एक ऐसी है कि आपकी पर्सनालिटी आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा मंच और पूरा सभागृह आपके ओर देखता है, पूरा फोकस आपके ओर रहता है, तो इसलिए आपको खुद को एक अलग ढंग से स्टेज पर प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपके बोलने का ढंग कैसा है, यह सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है एंकर के वास्ते, तो इस और भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है, और ये जो चीज़ें हैं ना एकदम से नहीं होती है, धीरे 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 डेवलप हो जाती है ये चीज़ें। हम किस प्रोग्राम को जा रहे हैं, किस प्रोग्राम का एंकरिंग हमें करना है, उस हिसाब से हमें ड्रेसिंग करनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ जी जी, हम देख रहे हैं कि अभी ये एंकरिंग से जो पैशन है वो बहुत लोगों में आ रहा है, उभर रहा है और आना ही चाहिए, क्योंकि इंसान ने खुद को किसी एक क्षेत्र में खुद की प्रगति करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कौन सा भी अच्छा क्षेत्र हो, उस अच्छे क्षेत्र में खुद को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये एंकरिंग का भी ऐसे ही है, हमें अलग अलग प्रयास कर खुद को उसके अंदर मोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अभी कहा था कि स्टेज पर जाने के बाद में हम शुरुआत कैसे करें, तो ये हर एक एंकर की एक स्टाइल होती है, हर एक एंकर ने खुद के अंदर मोड़ा हुआ रहता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन हम हमारी सोच के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से उसको मोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो, हम बोल सकते हैं कि स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का, ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का, सभी का यहाँ पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, एक हो गया एक ढंग। अगर समझो कोई जैसे कि फैशन शो वाला हो, या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक प्रोग्राम हो, या कोई ऐसा फन वाला प्रोग्राम हो, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का तहे दिल से शुक्रिया, आई एम एंकर अंजलि, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नाउ इस तरह से आप अलग अलग, मतलब सामने कैसे लोग बैठे हैं जी, 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 कौन सा कल्चर है, श्रोतागण कैसे है, छोटे है, बड़े है, या मतलब बौद्धिकता से डिपेंड वाले है, या कोई सांस्कृतिक से डिपेंड है, तो उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता है। एक
किधर भी लिखा हुआ नहीं रहता है, अपने आप को रेडी करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। तो ये अच्छा, सब बातें खुद को सीखनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल करने से ही हम सीखते हैं। कोई समापन करने का भी कोई ख़ास तरीका, जैसे आपने शुरुआत करने के बारे में बताया, तो समापन किस तरह से हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताने। जी, अभी यहाँ पर समापन वाली बात तो ऐसी है कि समापन का कार्य किसी और की ओर दिया हुआ होता है। एंकर कभी समापन नहीं करता है। जी हर एक प्रोग्राम में एंकरिंग का सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर कहीं हद तक उसका काम रहता है, समापन करने वाला व्यक्ति कोई और होता है। जी जी जी। और प्रास्ताविक करने वाला भी व्यक्ति कोई और होता है। एंकर को क्या प्रोग्राम है, क्यों प्रोग्राम है, किसने रखा हुआ है, उसका क्या उद्देश्य है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं। जो प्रास्ताविक करेगा वो प्रमुख व्यक्ति पूरा वहाँ पर बता देते हैं। युवा और बाल विद्यार्थियों के लिए ख़ास तौर से हमने आज अंजलि जी से बात की है, और इस वीडियो को देख करके आप कुछ बुनियादी बातें जान सकते हैं कि एंकरिंग कैसे होती है। लेकिन फिर भी हर काम सीखने के लिए काम करना होता है, और जब हम करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की पेचीदगियाँ सामने आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो वो हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हम अपने अंदर कौशल विकसित करें। तो आज की बहुत बढ़िया बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी आपका, और आपकी बातचीत से, आपके पूरे से हमारे युवा बच्चे बहुत प्रभावित होंगे, सीखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया दादा। एक बात ऐसी भी है कि हमें अलग अलग भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है। तो पता नहीं कब कौन से लैंग्वेज का एंकरिंग आपके पास आए। जी जी। तो ये एक बात रह गई थी जो मुझे यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। और बस जाते जाते मेरे सभी जो एंकर बनने वाली भाई बहन है, उभरते हुए एंकर है, सबके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात। बस ऐसे ही कुछ शब्दों को आप खुद के अंदर ढाते जाइएगा, और आप सब लोगों को बेस्ट लक, हैप्पी रहे, खुश रहे। बाय, थैंक यू। शुक्रिया।